हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीटीयूपी लेटेस्ट सिलेबस 2020-21 अनुप्रयुक्त बहुत ही एप्लाइड सब्जेक्ट। हर एक ब्रांच को यह सब्जेक्ट पढ़ना है जो विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में है। लेटरल एंट्री में भी जो विद्यार्थी है उनके लिए भी यह सब्जेक्ट अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं बीटीयूपी ने लेटेस्ट सिलेबस 2020-21 में आपके लिए क्या नया दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है, चैप्टर को इन्होंने 7 क्वार्टर बांटा गया है। जो आपके चैप्टर है, पहला है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, दूसरा है आपका वेव ऑफ टेक्स्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चौथा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है मैग्नेटिक स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, छठवां चैप्टर आपका है सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सातवां चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स। हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी वाले, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आप मायूस ना हो, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेम पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं तरंगति और उसके अनुप्रयोग, वेव ऑप्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा, स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, अर्धचालक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, ये तो थे आपके सिलेबस के 7 चैप्टर। अब हम इसके अंदर हर एक चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और जिसको बुक के बारे में बहुत फोन आ रहे हैं कि सर आप बुक बता दीजिए, कौन से विद्यार्थी कौन सी बुक ले, किस पब्लिकेशन की ले, किस पब्लिकेशन में क्या है, तो बुकों से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आपकी वो आपको वीडियो के लास्ट तक बनी रहे, सब कुछ बताया जाएगा किस बुक में क्या है और कौन सी बुक आपको रिकमेंड करेंगे जिससे आप अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। चलिए तो देखते हैं पहला देखते हैं हम वेव मोशन, अर्थात वेव मोशन तरंग गति और उसके अनुप्रयोग। सीधा सीधा इसमें इसको भी हमने 6 पार्ट में बांटा गया। सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक आपका पहला चैप्टर है। और मैं एक बार बताना चाह रहा हूं कि जो आप कोरोना के कारण अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर होते हैं तो उन पेपरों में जो आपका MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थात आपका क्वेश्चन पेपर इस बार अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। चलिए तो इसमें हम आपको बता रहे हैं 7, इसको 6 पार्ट में बांटा गया है, वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये तो आपके सामने सिलेबस का एक रूबरू है, इसके आगे अंदर क्या पढ़ना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे। हर एक चैप्टर का सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो केवल आपको मिलने वाला है एएस टेक्निक प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए जी आपके सामने आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और जिसको अगर डाउनलोड करना है तो जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको दी गई यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है सीधा आपका है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इसमें आपकी ओनली थ्योरी आएगी। तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ना क्या है ये सब कुछ हम वीडियो में टॉपिक वाइज लाते जाएंगे। चलिए तो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है। ये चैप्टर पढ़ा क्यों हुए और इस चैप्टर को क्यों जरूरी पढ़ना है, तो आप देखें कि चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, हर एक ब्रांच में आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को एक अहमियत दी गई है। तो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट जो जनरल इंजीनियरिंग है या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्ट नाम से है, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपको इस फिजिक्स के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी नंबर प्राप्त कराएगा, साथ में बेसिक क्लियर कराएगा। अगला देखते हैं चैप्टर, अगला चैप्टर आपका है विद्युत धारा। फिर मैं कह रहा हूं जो विद्युत धारा है ये भी आपके सभी चैप्टरों में है। चलिए तो ये भी आपकी हर एक बुक, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, हर एक ब्रांच की एक बुक परमानेंट इलेक्ट्रिकल के लिए दी गई है। उस बुक को भी हम अगर करना है तो हमें इन सब फिजिक्स के टॉपिक से गुजरना पड़ेगा। चैप्टर नंबर विद्युत धारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों ही आपके सिलेबस में एक यानी 2-in-1 काम करेगा, पढ़ेंगे फिजिक्स में और पास होंगे जनरल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में। तो इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद स्थिर चुंबकत्व, चुंबक
विद्युत चुंबकत्व आपका सीधा है कि मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एक बात और, क्यों आपके सामने सिलेबस लेके आए हैं, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न होता है वो आपको सिलेबस टू सिलेबस भी पढ़ना है, आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। चले तो आगे देखते हैं आपका जो चैप्टर है अर्धचालक पथ की सेमीकंडक्टर प्लेट। आजकल सभी जानते हैं आईसी का यूज कर रहा है, दुनिया की हर चीज पीसीबी पर ऑपरेट होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो हमें सबसे ज्यादा नॉलेज जो होती है वो आपको काय की होती है, अर्धचालक पथ की, अर्थात सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ। चलिए तो आगे देखते हैं आपको मॉडर्न प्लेट। आप देख रहे हो आज हम आपके सामने लाइव आए हैं, कैसे आए, आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है। तो आजकल जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, हर चीज आपको क्लियर चाहिए, 4K में चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए। तो क्लियर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वायर यूज नहीं करना पड़ता है, एंटीना केबल यूज नहीं करनी पड़ती है, और डिस्क की डोरी यूज नहीं करनी पड़ती, हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करनी पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिससे आप क्लियर पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं। आज हम आपके सामने अगर कैमरे से या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी तरह, लेकिन जो मीडिएटर है, जो केबल है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो हमें नेट प्राप्त हो रहा, इसके बाद जो हमारी केबल से कैमरे से अगर सीपीयू में भी जा रही, तो इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर यूज कहाँ होगी, इसकी जानकारी कितने प्रकार की होती है, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल से जो कोरोना काल में हो सकता है कि आपको ऑफलाइन ना करा जाए, तो जो ऑनलाइन में मैं आपको करा दूंगा, प्रैक्टिकल भी नहीं। अब आते हैं कि सर हमने सिलेबस बता दिया, हम बच्चों को सर कौन सी बुक लेनी है। बाजार में कई तरह की बुक मिल रही है, कुछ पुरानी बुक मिल रही है, कुछ नई बुक मिल रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल वह बुक लेनी है जो आपका पूरा सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक कवर करे। तो अब देखते हैं कि कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे और इस बुक को रिकमेंड करने का यह टेक्निक क्यों आपसे कह रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको बुक की जानकारी। तो आगे देखते हैं जे जे आपकी एशियन पब्लिशर्स की अनुप्रयुक्त बुक की, अर्थात एप्लाइड फिजिक्स, ऑथर भी बता दे रहा हूँ, जे पी के गुप्ता, रमेश कुमार, आर एस सविता, डॉक्टर शशांक शेखर पांडे। ये एप्लाइड फिजिक्स हिंदी माध्यम वालों के लिए, इंग्लिश माध्यम में भी यही सभी ऑथर्स हैं, सेम बुक हिंदी और इंग्लिश में है। इन बुकों को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनिए। इस बुक में आपको बीटीयूटी में पिछले साल प्रीवियस ईयर में आने वाले समस्त क्वेश्चन सिलेबस वाइज दिए गए, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, हर एक न्यूमेरिकल पर बहुत अच्छे से अध्ययन करके बताया गया। और ये ऐसी बुक है जिसमें सिलेबस का विश्वास मानिए, अगर आप ये टेक्निक पर विश्वास करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें आपका पहला चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें।